अस्सलामुअलैकुम गाइज एंड वेलकम बैक टू ऑटो नेस्ट, दिस इज़ वकार अहमद। आज की वीडियो में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं किया स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव का। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कार चेन का, जिनके तवस्सुत से आज ये गाड़ी रिव्यू के लिए आई है। कार चेन कराची में गाड़ियों की खरीदो फरोख के हवाले से एक बहुत पुराना और बाएतमाद नाम है। इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी, तो चलिए रिव्यू को कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करेंगे इसके एक्सटीरियर से। सबसे पहले इसके फ्रंट एंड को देखेंगे। किया स्पोर्टेज के फ्रंट एंड में आपको किया की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल मिल जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर एक किया का लोगो है और इसके फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर एक ग्लॉस ब्लैक मटेरियल भी यूज़ किया गया है, जो कि फॉग लैम्प्स के साथ भी मौजूद है। फ्रंट पे आपको एलईडी फॉग लैंप्स मिल जाएंगी। इसके साथ ही हेड लैंप्स के अंदर आपको डीआरएल्स और इसके साथ ही बाकी तमाम चीज़ें इसमें एलईडी मौजूद हैं। स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर आपको कुम्हो का 18 इंच का टायर मिलेगा, साथ ही इसमें एक 18 इंच का एलॉय व्हील भी मौजूद है। इसके साथ ही स्पोर्टेज में आपको ये साइड स्कर्ट्स भी मिलती हैं, जो कि पूरी बॉडी में कंटिन्यू हो रही हैं। यहाँ पर आपको बॉडी कलर मैच साइड मिरर्स मिलेंगे, जिसके अंदर एलईडी इंडिकेटर्स इंस्टॉल्ड हैं। ये साइड मिरर्स ऑटो रिट्रैक्टेबल और ऑटो एडजस्टेबल हैं। डोर हैंडल्स में भी आपको क्रोम मिल जाएगा। इसके साथ ही इनमें कीलेस एंट्री भी मौजूद है। इसके साथ साथ डोर्स के साथ भी क्रोम की रिम आपको यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई नज़र आएगी। बैक पे भी आपको एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सेंटर में किया का लोगो, यहाँ स्पोर्टेज की बैजिंग मौजूद है। बैक बम्पर में भी क्रोम की ट्रिम है। इसके साथ ही यहाँ पर इंडिकेटर ब्रेक लाइट दी गई है। बैक पर आपको शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको रूफ रेल्स भी दी गई हैं। गाड़ी के लेफ्ट साइड पर आपको फ्यूल फिलर कैप दिया गया है। ये स्पोर्टेज का रिमोट है, जिसमें एक किया का लोगो दिया गया है। साथ ही इसमें एक लॉक और अनलॉक का बटन मौजूद है और ट्रंक ओपनर भी इसमें दिया गया है। अब गाड़ी को अनलॉक करते हैं और इंटीरियर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसकी डोर की ट्रिम्स को देख लेते हैं। डोर में आपको यहाँ पे सॉफ्ट टू टच मटेरियल दिया गया है। इसके साथ यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ की गई है। यहाँ पर पावर विंडो के कंट्रोल के स्विचेस हैं, साथ ही रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स के कंट्रोल के स्विचेस भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ सेंट्रल लॉकिंग भी दी गई है। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर दिया गया है, साथ ही दोनों फ्रंट डोर्स के अंदर आपको स्पीकर्स भी दिए गए हैं। स्पीकर्स के साथ साथ यहाँ पर ट्विटर्स भी इंस्टॉल्ड हैं। ये स्पोर्टेज का फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट है, तो इसके अंदर आपको क्लॉथ सीट्स दी गई हैं, इसमें लेदर सीट्स मौजूद नहीं है।
इसके स्टेयरिंग व्हील को देखें तो यहाँ पर किया का लोगो मौजूद है, साथ ही इसमें एक एयरबैग भी है और यहाँ पर आपको मेटेलिक फिनिश की ट्रिम एक दी गई है। इसके अलावा इस पर लेदर कवर मौजूद है। स्टेयरिंग व्हील के कंट्रोल्स की बात कर लें तो यहाँ पर मल्टीमीडिया के कंट्रोल के स्विचेस मौजूद हैं, साथ ही इसके अंदर यहाँ क्रूज कंट्रोल के स्विचेस भी मौजूद हैं। ये इसका गेज क्लस्टर है जिसके अंदर आरपीएम मीटर, टेम्परेचर गेज, फ्यूल गेज और स्पीडोमीटर मौजूद है। इसके अलावा इसमें एक मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी दिया गया है। कंसोल को देखें तो यहाँ एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन मौजूद है जिसके साथ ही दो एयर वेंट्स दी गई हैं। इसके साथ ही यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल के स्विचेस मौजूद हैं, यहाँ पर आपको हैजर्ड का बटन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक सिगरेट लाइटर, यूएसबी सॉकेट और एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी दिया गया। दो कप होल्डर्स आपको फ्रंट में मिल जाएंगे। ये इसकी ट्रांसमिशन है। इसके अलावा इसके अंदर ड्राइविंग मोड्स मौजूद हैं, डाउनहिल असिस्ट, पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड और यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स को ऑन या ऑफ करने के लिए भी आपको बटन दिया गया है। आर्म रेस्ट की बात करें तो इसके ऊपर लेदर कवरिंग मौजूद है। इसके अलावा इसमें भी स्टोरेज की आपको स्पेस दी गई है। ग्लव बॉक्स को देख लेते हैं, ग्लव बॉक्स में भी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। इसके अलावा एक एयरबैग आपको यहाँ पैसेंजर के लिए भी दिया गया है, साथ ही एयरबैग्स पैसेंजर और ड्राइवर भी दोनों के लिए मौजूद हैं। ड्राइवर के पास आपको कंट्रोल्स जो हैं यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल के मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये फ्यूज़ बॉक्स मौजूद है। हेडलाइट के कंट्रोल के स्विचेस आप देख लें तो वो स्टेयरिंग के राइट साइड पे मौजूद हैं, जबकि वाइपर के कंट्रोल के स्विचेस जो हैं वो लेफ्ट पे मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें ऑटो डिमिंग मिरर भी दिया गया है और इसमें आपको रेन सेंसर्स भी दिए गए हैं। अब यहाँ पर लाइट्स की बात कर लें तो इंटीरियर के अंदर आपको लाइट्स भी दी गई हैं। यह आपके सनग्लास होल्डर आ गया। सन शेड्स के अंदर आपको वैनिटी मिरर्स भी दिए गए हैं। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए मौजूद है। इसके अलावा इंटीरियर में आपको हैंडल्स मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाएगी जिसके कंट्रोल्स यहाँ मौजूद हैं। अब हम इस पोर्टेज को स्टार्ट करके देख लेते हैं। इसके अंदर आपको पुश स्टार्ट और स्टॉप दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर ऑटो हेडलाइट्स भी मौजूद हैं। इंफॉर्मेशन स्क्रीन की बात करें तो इसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात कर लें तो उसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले मिल जाएगा, साथ ही फ़ोन की कनेक्टिविटी भी इसके अंदर मौजूद है और इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो भी दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल को देखें तो आपको इसके अंदर डुअल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन को आप स्टेयरिंग पे मौजूद बटन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसकी पैनोरामिक सनरूफ को भी देख लेते हैं। इसी एक बटन से आप इसकी तमाम ओपनिंग और क्लोजिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी बैक सीट्स की तरफ से बैक की जो डोर की ट्रिम है वो भी सेम है जो आपको फ्रंट डोर्स में मिल जाएगी।
उसके अलावा जो इसकी सीटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, आपको लेग रूम और हेड रूम भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। बैक पे भी आपको जो फैब्रिक दी गई है वो क्लॉथ है। इसके अलावा एयर वेंट्स आपको पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए भी दी गई है। साथ ही यहाँ पर एक USB का सॉकेट मौजूद है और एक 12 वॉट का पावर सॉकेट भी यहाँ पर दिया गया है। स्पोर्टेज की ट्रंक को आप इसके रिमोट से भी एक्सेस कर सकते हैं। ट्रंक के अंदर जो स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा ये जो पीछे की सीट्स हैं ये भी आप इनको फुली रिक्लाइन करके इस स्पेस को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक स्पेयर व्हील दिया गया है, साथ ही इसके तमाम टूल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब इसके इंजन रूम को देख लेते हैं। किया स्पोर्टेज में आपको 2000cc डुअल ओवरहेड कैम 16 वेल्व इंजन दिया गया है। ये इंजन 154 हॉर्स पावर और 196 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ ही इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी दी गई है। तो ये था किया स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही हमारे चैनल ऑटोनेस्ट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।